सत्य का निर्णय स्वयं करें। दोनों धर्मों में समानता व अंतर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और जैन धर्म। ओम शांति। मेरे से प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म की विशेषता क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज जो कहते हैं उनके साथ समानता क्या है और अंतर क्या है? इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा पर उपस्थित हूं। जहां भी आपको लगे आप अवश्य प्रश्न पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा ईश्वरीय ज्ञान जो मुझे समझ में आया है वो आपको सीधा सत्य स्वरूप में प्रदान करूं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि संसार के सभी धर्म कैसे आए। जब इसी धरती पर स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, हेवन होता है, भाषा कुछ भी, जब इस धरती पर 100% प्योर आत्माएं होती हैं, ये नेचर 100% प्योर होती है, सातों गुण ज्ञान प्रेम शांति पवित्रता सुख आनंद और शक्ति, सबके जीवन में 100% होती है, तो ये संसार स्वर्ग होता है। धीरे धीरे नेचुरल लॉ है कि यूज होने पर ये सातों धीरे धीरे कम होती है, और जब ये कम होती हैं, इनका अभाव ही संसार को दुखी बनाता है। जब दुख बढ़ते हैं तो समाज को मार्गदर्शन देने के लिए परमात्मा कहते, बच्चे मेरे बच्चे आकर मार्गदर्शन करते। हम सृष्टि चक्र में देखते हैं सभी धर्मों में लगभग सातिया दिखाया जाता है जो समझाता है कि चार हिस्से हैं, दो हिस्सा स्वर्ग होता है, दो हिस्सा नरक होता है। उसे स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां दिव्य गुण अच्छे होते हैं और बुराइयां कम होती हैं। द्वापर से बुराइयां बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो दुख भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब स्वर्ग होता है सुख ज्यादा दुख कम, और जब नरक होता है तो दुख बढ़ता जाता है सुख दिन प्रतिदिन कम होना शुरू होता है। अब मैं थोड़ा विज्ञान की तरफ परमात्मा की बात को ले चलता हूं कि जब दुख आधे से ज्यादा होता है
तो धरती में परिवर्तन आता है। धरती में एक ही पेंजिया था, तब एक ही धर्म था, उसका कोई नाम नहीं था। सबके जीवन में सच्चाई थी तो कहने की जरूरत नहीं थी कि सच बोलो। जब सारे ईमानदार थे, कहने की जरूरत नहीं थी बेईमानी मत करो। कोई किसी को दुख नहीं देता था तो बताने की जरूरत नहीं थी दुख मत दो। सबका जीवन अहिंसक था तो अहिंसक बनो कहने की जरूरत नहीं थी। तब सभी परमात्म डायरेक्शन पर चलते थे। परंतु जैसे ही पेंजिया टूटा, मीन्स 50% से दुख ज्यादा बढ़े, तो अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्री 7 कॉन्टिनेंट बने। आप साइंस में इस प्रश्न को बहुत सिंपली देख सकते हैं। ज्योग्राफी साइंस में यह पढ़ाया जाता है कि पहले एक पेंजिया था, पेंजिया टूटा तो ये 7 कॉन्टिनेंट बने। जब ये 7 कॉन्टिनेंट बने तो जो जिस कॉन्टिनेंट पर लोग गए, उन्होंने वहां जाकर देखा कि हमारी इस समाज में, परिवार में बुराइयां हैं। उन्होंने उन बुराइयों से लड़ने के लिए जो डायरेक्शन दिए वो धर्म बने। संसार के जितने भी धर्म हैं, एक भी धर्म 2500 साल से पुराना नहीं है। नोट कर लें और चेक कर लें। जिस धर्म पर डाउट हो तो मेरे से पूछे, नहीं तो नेट पर या अपने धर्म ग्रंथों से जो समझदार हो उनसे पूछ सकते। गपोड़े मारे, कोई कितना भी गपोड़ा मारे, मैं उससे बहस नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी लिखित पुस्तक आपको 2500 साल से पुरानी नहीं मिलेगी। थोड़ा समय आगे पीछे ये सब धर्मों का जन्म हुआ है। मैंने सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा, जितना मैं समझ सकता था, समझने का प्रयास किया और अभी विशेष रूप से जब प्रश्न पूछा गया है तो जैन धर्म को पढ़ा तो था परंतु अभी विशेष रूप से पढ़ा, ताकि मैं आप तक सच दे सकूं। जब इस भारत की धरती पर एक तरफ वेद लिखे जा रहे थे, दूसरी तरफ चारवाहक अपना संदेश दे रहा था, उसी समय ही इस भारत की धरती पर जैन धर्म का भी आरंभ होता। ये कोई अलग से आरंभ नहीं हुआ। सभी धर्मों की बातें कॉमन है। जो वेद कह रहे हैं वही यहाँ जैन धर्म भी कह रहा है, वही बौद्ध धर्म भी कह रहा है, वही भारत की धरती पर आने वाले बाकी धर्मों को भी जैसे मौका मिलेगा हम चर्चा करेंगे। तो सबने मूल बातें तो वही बताने का प्रयास किया है, परंतु बताने के बाद एक्सप्लेन करने में आगे थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, क्योंकि गिरना तो था। हर एक ने अपनी सुविधा के अनुसार आगे अर्थ बदले हैं, जिसके कारण ये कमियां आई हैं। हम मूल रूप में देखेंगे कि सनातन धर्म हम नाम दे रहे हैं, जब सनातन धर्म था तो उसका नाम सनातन धर्म नहीं था, जब स्वर्ग था
तो सबके जीवन में धारणाएं थी, पवित्र धारणाएं, श्रेष्ठ धारणाएं थी, परंतु जब धारणाओं का अभाव हुआ तो इन धर्म ग्रंथों का जन्म हुआ, धर्म शिक्षाओं का जन्म हुआ। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। सभी धर्मों ने मार्गदर्शन अपनी समझ के अनुसार राइट किया है, परंतु राइट क्या है और रॉन्ग क्या है वो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। अब परमात्मा ने क्या राइट बताया और कैसे वो दूसरे धर्म में जाकर थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, वहां मैं आप सबका ध्यान खिंचवाऊंगा। फिर मानना या ना मानना वो आपका पार्ट है। आज इतना ही। ओम शांति। इससे जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें और देवियों से इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करें। केवल कथा सुनते ना रहें, अपने जीवन में लाने का समय है। आए और आकर इसके सत्य रहस्य को विस्तार से समझें। धन्यवाद।